हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रूना का किचन में। अभी मैं बनाऊंगी मिक्स सब्ज़ी। सबसे पहले मैं तेल डाल लेती हूँ। तेल डालने के बाद जो है उसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं तेल को गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे पत्रक। पत्रक डालने के बाद जो है उसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देते। इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद जैसे ब्राउन हो, जीरा पत्रक हो गया ब्राउन, इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को थोड़ा सा छोड़ देते हैं फ्राई होने के लिए। फ्राई जब हो जाता है तो इसको थोड़ा सा छोलने से चला देते हैं। इसके बाद डालेंगे इसमें प्याज। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा जो है सो प्याज को भी रख के छोलनी से जो है लाट देते हैं ताकि जो है प्याज जो है गल जाए। प्याज डालने के बाद जैसे इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद जैसे ऐसा से प्याज टमाटर मिर्ची को हरी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि प्याज टमाटर मिर्ची जो है गल जाए। गलने के बाद जैसे फिर से इसको टमाटर गल नहीं जाता है तब तक इसमें आलू नहीं डालेंगे तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए, मतलब प्याज टमाटर गलने के लिए धीमी आँच में। जब प्याज गल जाएगा तभी इसमें जैसे मतलब आलू डालेंगे। तब तक जैसे इसी तरह से बीच बीच में लाटते रहेंगे तब तक जो है मतलब चिपके ना चले ना। इसमें फिर से जैसे आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद जैसे बढ़िया से जैसे मतलब फ्राई कर देंगे इसको। तो इसी तरह से जैसे बीच आलू डालने के बाद आलू को जैसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तब तक जैसे इसी तरह जैसे खूब बढ़िया से इसको छोलने से चलाते रहेंगे ताकि जैसे आलू चिपके ना और बढ़िया से जैसे आलू फ्राई हो जाए। तो इसको जैसे मतलब बढ़िया से चारों बगल फैला देते हैं, साइड में रख देते हैं ताकि जैसे आलू धीमी आंच पर जैसे बढ़िया से जैसे ब्राउन कलर का हो जाए। फिर से इसको जैसे छोलने से चलाते रहेंगे ताकि जैसे आलू जले ना, प्याज टमाटर आलू जो है बढ़िया से गल जाए। जब तक आलू फ्राई नहीं हो जाया था तब जैसे और कुछ इसमें नहीं डालेंगे और साग उग भी डालना, तब तक छोलने से इसी तरह से जैसे चलाते रहेंगे ताकि जैसे आलू उलट पुलट कर बढ़िया से जैसे मतलब फ्राई हो जाए। तो फिर इसमें डालेंगे चना का साग, जो मतलब काला चना आता है उसी चना का जो है साग है थोड़ा सा, तो इसमें डाल देते हैं। इसको डालने के बाद जैसे मतलब छोलनी से जैसे मतलब चलाते रहेंगे ताकि जो है सब्जी जो है जले ना बढ़िया से जैसे मतलब। साग डालने के बाद जैसे इसी तरह से जैसे मतलब छोलनी से लाटते रहेंगे ताकि जैसे मतलब बढ़िया से मिक्स हो जाए, साग भी जैसे थोड़ा सा गल जाए। तो साग जो है सो मतलब बढ़िया से गल गया। इसके बाद जैसे डालेंगे इसमें जो है सो पालक का साग। तो पालक का साग जो से डाल लेते हैं पहले, सारा पालक का साग को डाल लेते हैं पहले बढ़िया से। तब डालेंगे पालक का साग। पालक का साग को पहले पूरा को जो है मतलब डंठल हटा लीजिए, सिर्फ पत्ते का जैसे यूज करिएगा। देखिएगा जो मतलब सब्जी एकदम टेस्टी आता है, जितना मतलब इसको मतलब पत्ता में टेस्ट आता है उतना इसको डांट में जो है सो मतलब नहीं आता। तो सारा डांट को पहले हटा लीजिएगा जो ताकि जो है सो मतलब सिर्फ इसके पत्ते पता रहे, डांट नहीं रहे। सारा पालक को साग का जैसे मतलब बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं आलू चना का साग में। बढ़िया से मिक्स करने के बाद जैसे नमक डालने के बाद इसी तरह से जैसे मतलब बैंगन इसमें डाल लेते हैं। सारा बैंगन बैंगन को जैसे डाल के बढ़िया से बैंगन को जैसे मिक्स कर लेते हैं। बैंगन को मिक्स कर लेते हैं ताकि जैसे बैंगन पालक आलू चना का साग सब बढ़िया से जैसे मिक्स हो जाए। इसके बाद जो है सो मतलब पहले बढ़िया से जैसे इसको छोलनी से चला लेंगे। सबको मिक्स करने के बाद जैसे इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक डालने के बाद मटर भी रख देंगे। मटर डालने के बाद जैसे इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि जैसे मतलब सब्जी जो है सो तर में जले ना, ये सब्जी तर में जैसे जले ना। बीच बीच में जैसे इसको चलाते रहेंगे सब्जी को, जो मतलब जैसे बढ़िया से जैसे चिपके उपके ना बढ़िया से जैसे भून जाए। इसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद जो है इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हल्दी पाउडर डालने के बाद जो है इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालकर जो है मतलब इसको जो है थोड़ा सा क्या करेंगे चलाते रहेंगे बीच में ताकि जो है सब्जी जैसे जले ना बढ़िया से जैसे मतलब मसाला भी जो है मिक्स हो जाए। जब तक हल्दी धनिया डालिए इसके बाद धन मसाला में डालेंगे आदि लहसुन जीर मरीच का पेस्ट। तो इसके बाद जो है सो मतलब डालेंगे इसमें थोड़ा सा जो है सो कश्मीरी मिर्ची। कश्मीरी मिर्ची जैसे डालेंगे ये कश्मीरी मिर्ची डालेंगे। इसमें डाले हैं अदरक लहसुन जीर मरीच का पेस्ट। तो इसको पहले बढ़िया से जैसे डाल देते हैं। डालने के बाद जो है सो सारा सब्जी को जैसे मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से ताकि मसाला जो है अच्छा से जैसे सब्जी में मिल जाए, अच्छा से जो है सो पक जाए।
अच्छा से पकने के बाद जो है इसको बीच में चलाते रहेंगे, अभी पानी उनी नहीं डालेंगे, ये बढ़िया से जैसे सब्जी का भी कलर भी आ जाए भूजन, अगर जितना आप सब्जी भूजिएगा उतना सब्जी का जैसे मतलब टेस्ट भी आता है, भूजने में सब्जी भी जो है मतलब बहुत अच्छा मतलब सीझ जाता है फ्राई में। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जो स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक, तो नमक डालने के बाद जो है सो बढ़िया से चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि जो है सो चिपके ना जले ना, तो फिर से जो है सो मतलब इसको जो है सो छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए पकने के लिए, जब तक पकता नहीं तब तक बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहेंगे, पानी उनी नहीं डालेंगे ताकि जो है सो सब्जी जले उले ना, जो जले ना सब्जी, बीच बीच में जैसे लाते रहेंगे तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ा देर के पकने के लिए। तो जो है सो मतलब पक रहा है सब्जी, इसमें डालेंगे आप पानी, पानी डालने के बाद जो है सो मतलब बढ़िया से जैसे इसको फिर से जैसे मतलब चलाते रहेंगे, ताकि जैसे मतलब सब्जी जो है सो जले ना, ये सब्जी जो है सो जले ना। अब तो ठंडा का सीज़न शुरू हो गया है, तो ज़रूर इस तरह का जैसे सब्जी बनाकर जो है सो मतलब खाइए, चना का साग, पालक, बैंगन, आलू, मटर सब डालकर सब्जी बनाइए, देखिए मतलब बहुत टेस्टी सब्जी होता है। जब बहुत टेस्टी सब्जी होता है तो थोड़ा देर पानी डालने के बाद ये इसको थोड़ा देर मतलब छोड़ देते हैं मतलब जो सो बढ़िया से पक जाए, जो बढ़िया से पक जाए तो और ऊपर से जैसे मतलब पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद जैसे बढ़िया से जैसे इसको चला लेते हैं, ताकि जैसे मतलब सब्जी सब जैसे बढ़िया से मिक्स हो जाए, बढ़िया से जो है सो मिक्स हो जाए तो इसको जो सब क्या करेंगे बढ़िया से चलाते रहेंगे, तो इस फिर से अब इसको जो है सो ढक देते हैं बढ़िया से, जो सब्जी सब जो है सो अच्छा सा जो है सो मतलब पक जाते, बीच बीच में इसी तरह से जैसे मतलब चलाते रहेंगे, अब बढ़िया से ढक देते हैं जो सब्जी जो है सो पक जाए। पकने के बाद जैसे मतलब आप देखते हैं जो मतलब सब्जी जो है सो पका है कि नहीं, तब इसको पहले ढक्कन हटा लेते हैं, ढक्कन हटाने के बाद जो है सो मतलब साइड में ढक्कन रख लेते हैं, अब इसको पहले बढ़िया से देख लेते हैं छुलनी से उलट पुलट करके, जो मतलब सब्जी अच्छा से पका है कि नहीं, तब देख सकते हैं जो मतलब सब्जी जो है सो मतलब हो चुका है। तब सब्जी इसमें डालेंगे थोड़ा सा जो है सो मतलब गरम मसाला, तो गरम मसाला डाल देते हैं थोड़ा सा, एक चम्मच गरम मसाला डालने के बाद जो है सो मतलब बढ़िया से जो इसको मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से मिक्स करने के बाद जो है सो मतलब बढ़िया से